पूरी पिक्चर में एक डायलॉग समझ में नहीं है लेकिन वो जो चालीस रुपए का समोसा समोसा, ये और जो दस रुपए की चाय, चाय yeah, uh... मतलब, आपको पूछ रहा हूँ कि जिस तरह से फिल्म है तो एज एन ऑडियंस मुझे लगता है कि हम लोग अभी uh, uh, थोड़े से इफ आई मे बी ऑनेस्ट थोड़े से साउथ के साथ कंपीट करने में लगे हुए कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक आ, आ, बिगर कजिन को थोड़ा धक्का लगा है कि हमारी पिक्चरें उतनी नहीं चल रही जितनी उनकी चल रही हैं तो हम लोग उनकी किस्म की फिल्में बनाने की कोशिश कर रहे हैं इसमें दो चीजें हो रही हैं एक तो हो रही है कि फिल्में चल रही हैं बड़ी फिल्में चल रही हैं और चलनी भी चाहिए पूरी इंडस्ट्री को फायदा होता है लेकिन एक बात यह भी है कि जो हम लोग बोलते रहते हैं कॉन्टेंट ड्रिवन कॉन्टेंट ड्रिवन वो कहीं ना कहीं घूम जाती हैं क्योंकि वो नहीं बन पाती हैं फिर अगर बन भी पाती हैं तो उन्हें नहीं मिल पाती अभी हाल ही इन द कमिंग मंथ आर सिक्स हाई दमिंग स्मॉल आर कम एंड मोस्ट ऑफ विल प्रॉबली नॉट सी द लाइट ऑफ डे ऑन थिएटर एंड इवन इफ दे डू इट बी अ टोकन रिलीज के एक दो दिन चला दो उसके बाद ओ क्योंकि एक आजकल कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि आपको थिएट्रिकल रिलीज करना पड़ेगा तो इसमें कहीं ना कहीं uh, घाटा भी है हमारा कई कई हैं। हैं। उसमे उस नहीं देता हूँ वो मेरा जोन नहीं है तो मेरा ये मानना है कि हमारे कंट्री में जितने थिएटर्स हैं अगर आप मार्क करते हो कि यार आज मान लो कौन सी सबसे जवान रिलीज हुई है तो उस दो तीन हफ्तों में मत रिलीज करो लेकिन उसके बाद एक डेडिकेटेड हफ्ता दो इस फिल्म को यार ये बड़ी मेहनत से बनाई ये बड़ी अच्छी पिक्चर है इसको देखे तो सही लोग अब उसकी पिक्चर के प्राइसेस कम रखो आप जवान के हजार रुपए पर टिकट लेते हो और आप आंख मुचोली के हजार रुपए लोगे तो यार मैं भी नहीं दूंगा hmm. उसका सौ रुपए रखो ये सारी चीजें यू नो दैट हैज कम फ्रॉम ग्रास रूट इट कैन नॉट द पावर्स दैट बी डिसाइड टू मेक इट होएगा मेरे लिए बड़ा बोलना आसान है लाइक आई सेड आई एम वेरी स्मॉल फ्राई इन द फिल्म इंडस्ट्री मेरे बोलने yeah. से क्या होगा लेकिन अगर कोई मुझे पूछेगा तो मैं बोलूंगा कि यार या, या, करना चाहिए एज एन ऑडियंस तो हमारा इतना तो पॉइंट हो ही सकता पता है।, है ना आप जैसे मुझे बड़ा दुख होता है मैं पीछे देखने जाता हूं एक पॉपकॉर्न साढ़े तीन सौ चार सौ रूपये का एक पॉपकॉर्न है यार अब आप सोचो यार वो जो फैमिली आ रही है जो मिडिल क्लास फैमिली है जो आज अपने फैमिली को लेके गई है एक समोसा एक पॉपकॉर्न ये वो खाएंगे मजा करेंगे उस टेंशन में आ जाते हैं यार पहले तो पार्किंग का दो सौ रुपये पार्किंग का दो सौ रुपये चलो मान लो आप ट्रेन से आओ अब चल के आए हो अच्छा पार्किंग का भी मुझे बड़ा कोश्त होता है सर यार तुम्हारे पिक्चर में पिक्चर का पूरा पैसा दे रहा हूँ तुम मॉल की पार्किंग में मेरे से पैसे क्यों ले? टिकट से कहीं क्या ज्यादा होता है कभी कभी मॉर्निंग शो का काम होता है कम होता है और मंडे को चले जाओ तो और कम होता है तो मुझे भी लगता है कि यार इन चीजों को मॉनिटर करना चाहिए मैं आपको एक बात बताऊं मैं पठान देखने गया था गैलेक्सी गेटी गैलेक्सी मैं बोला कि ये पिक्चर तो गैलेक्सी में देखेंगे हम लोग गेटी गैलेक्सी में गए मैं मानसी को भी लेके गया पूरी पिक्चर में एक डायलॉग समझ में नहीं आया ये वो लेकिन वो लेकिन जो रुपए का समोसा समोसा ये और जो दस रुपए की चाय चाय और उसके साथ ये इट्स बेटर देन व्हाट आई हैव सीन इन सिंगल स्क्रीन सॉरी अनिल तो यार एक्सपीरियंस होता है सिनेमा देखने का ना मुझे बड़ा मजा आया वो सामने डांस करे कुछ स्क्रीन नहीं दिख रहा है एंड में जब पठान प्ले होता है मिल गया कोई बैठा कुछ थोड़ा होता है कि सेल डाउन होते हैं तो दो चार डायलॉग सुनाई दे गाने में फिर हुआ हुआ लेकिन जो एक्सपीरियंस होता है अब उस पिक्चर में ऐसा तो कुछ नहीं की इंटेलेक्ट हमझूम है मजा आया लेकिन वो जो गरम गरम समोसा समोसा गैलेक्सी का चालीस या साठ रुपए का है वो तो मूवी के हिसाब से वो लोग रेट चेंज करते हैं मेरे मैं <laughs>